हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे पॉजिटिव थिंकिंग में आपको अपने जीवन में क्या करना है, मन क्या है। स्वयं अपने ही मन की क्रियाविधि को हम नहीं जानते। मन जैसा कि वह है, ना कि जैसा उसे होना चाहिए या कि जैसा हम उसे बनाना चाहते हैं। हमारे पास मन ही वह तंत्र है जिससे हम सोचते हैं, कार्य करते हैं और जिससे हमें अपने होने की अनुभूति रहती है। हम सभी में यह मन क्रियाशील रहता है और जब तक हम इस सक्रिय मन को समझ ना ले, तब तक हमारे सामने आने वाली प्रत्येक समस्या जटिल और अधिक विध्वंस होती रहेंगी। इसलिए मुझे लगता है कि अपने ही मन को समझना किसी भी शिक्षा का प्रथम और परम आवश्यक पाठ है। हमारा मन है क्या? आपको और मेरा मन किसी और के कथानुसार नहीं है। जब आप मेरे द्वारा बताए गए मन के विवरण का अनुसरण ना करते हुए मुझे सुनते हुए स्वयं अपने मन की गतिविधि का अवलोकन करेंगे, तभी शायद विचार के पूरे प्रसंग में प्रवेश करना अधिक उपयुक्त और लाभकर रहेगा। हमारा मन क्या है? जलवायु शताब्दियों की परंपरा तथा कथित सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक प्रभाव, वातावरण, विचार, समाज द्वारा धर्म के तथा कथित ज्ञान के तथा ईश्वरीय संदेश के नाम पर थोपे गए हड्डीले धार्मिक सिद्धांत, क्या इन सब का परिणाम नहीं है? यह मन कृपया अपने स्वयं के मन का अवलोकन करें, मेरे द्वारा वर्णित विवरण का अनुसरण ना करें, क्योंकि विवरण का महत्व नगण्य है। यदि हम अपने मन की गतिविधि का सजग अवलोकन कर सकेंगे, तभी शायद हम जीवन की समस्याओं का तत्काल निराकरण कर पाएं। यह मन दो भागों में विभक्त किया गया है, चेतन और अचेतन। यदि हम इन दो शब्दों का प्रयोग ना करना चाहे तो इनके लिए अन्य शब्दावलियों का प्रयोग कर सकते हैं, सतीही और प्रच्छन्न। मन के सतीही भाग और उसकी गहन परतें चेतन व अचेतन को एक समूचे रूप में सतह से तह तक अपनी संपूर्ण विचार प्रक्रिया को, अर्थात अपने मन के उस इकलौते भाग को जिसके प्रति हम सचेत रहते हैं, तथा उस शेष भाग को भी जो कि हमारे मन का बेहतर भाग है और जिसके प्रति हम सचेत नहीं रहते, इस सब को मिलाकर ही हम चेतना कहते हैं। यह चेतना काल है। शताब्दियों से मानव जो कुछ करता आया है उसका परिणाम यह है। कुछ विचारों में विश्वास करना हम में बचपन से ही कूट कूट कर भर दिया जाता है। हटीले धर्म सिद्धांतों, विश्वासों और पद्धतियों के अनुकूल हमें ढाल दिया जाता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के प्रभावों के अनुसार ढला हुआ है और इस प्रकार ढाले जाने से सीमाबद्ध व अनजाने ही ग्रहण कर लिए गए। इन प्रभावों से ही हमारे विचार उपजते हैं, जो कि एक कम्युनिस्ट, एक हिंदू, एक मुस्लिम या एक वैज्ञानिक का रूप ले लेते हैं। यह स्पष्ट है कि विचार स्मृति और परंपराओं की पृष्ठभूमि से जन्म लेते हैं और इसी पृष्ठभूमि के साथ हम जीवन का सामना करते हैं। फिर यह पृष्ठभूमि चेतन मन की हो या अचेतन मन की, इसके सतही भाग को ही या इसकी गहन परतों को जीवन सदैव गतिशील रहता है। यह कभी स्थिर नहीं रहता, परंतु हमारा मन स्थैतिक है, गतिहीन है, यह संचागत है, कैदी है और हटीले धर्म सिद्धांतों, विश्वास, अनुभवों व ज्ञान के खूंटों से बंधा हुआ है। इस खूंटों से बंधे हुए किसी साचे में ढले हुए
बेड़ियों से आबंध मन के साथ हम उस जीवन का सामना करते हैं जो निरंतर गतिशील है। जीवन अपनी अनेक जटिल और पलक झपकते परिवर्तित हो जाने वाली समस्याओं के साथ कभी कहीं ठहरता नहीं है, अतः इसे प्रतिदिन व प्रतिपल एक नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। जो जब हमारा सामना इस जीवन से होता है, तब इस निरंतर चलायमान जीवन और हमारे अतीत से आबंध और अचल मन के बीच में एक अनवरत द्वंद चलने लगता है। यही कुछ तो हो रहा है ना। जीवन एवं साचे में ढले हुए मन के बीच केवल द्वंद ही नहीं रहता, अपितु ऐसा मन जीवन का सामना करते हुए अधिकाधिक समस्याओं का कारक भी बनता जाता है। हम सतही जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। प्रकृति और विज्ञान को जीत लेने की नई नई विद्या एवं विधि सीखते रहते हैं, परंतु मन तो ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने के बावजूद एक निश्चित साचे में ही जकड़ा हुआ है, एक विश्वास विशेष से आबद्ध है। तो हमारी समस्या यह नहीं है कि हम जीवन का सामना कैसा करें, अपितु यह है कि हमारे मन में जो हटीले धर्म सिद्धांतों और विश्वासों के साचे में जकड़ा हुआ है, वह स्वयं को स्वतंत्र कैसे करें। केवल वही मन जीवन का सामना करने में सफल हो सकता है जो स्वतंत्र है, वह मन नहीं जो किसी मत, किसी विश्वास या किसी ज्ञान विशेष के साचे से बंधा है। तो यदि हमें अपनी समस्याएं बढ़ानी नहीं है, यदि हमें अपने दुखों और अपनी दुर्दशा का अंत करना है, तो क्या अपने ही मन के कार्यकलापों को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है।